नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नागेंद्र मिश्रा फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई नई मोटिवेशन स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। तो आज की स्टोरी का टाइटल है कोई छोटा बड़ा नहीं। यह वन ऑफ द बेस्ट हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी है, इसे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वहाँ पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़ के लाता और उसे आकार देकर मूर्तियाँ बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज़्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता, यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है, ये छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा, ठीक से दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ तो काम भी ज़्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से मौज करूँगा। एक रोज वो एक ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वो नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वो एक रैली कर रहा था, धूप काफ़ी तीव्र थी। धूप की गर्मी की वजह से वो उसे सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर गिर गया। होश आने पर उसने पाया वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वो सोचने लगा कि नेता से बलवान सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता, मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वो सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंड ठंडी पृथ्वी पर हवा बह रही है। तब शंभू ने विचार किया, हवा बनकर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वो इतराता इठलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने एक विकराल बड़ा सा पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूँगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़ी की आवाज़ परेशान करने लगी। वो काफ़ी परेशान हो गया। उसकी आवाज़ में इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आँख खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है। लेकिन अब वो मजदूर नहीं बनना चाहता था, वो काफ़ी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया वह जो विशाल पर्वत को तोड़ने का साहस रखता है वह स्वयं है। तो दोस्तों, आज की यही थी मोरल स्टोरी। आज का इस स्टोरी से ये मोरल है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी कार्य अपने में अपने हैं। किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए बल्कि गर्व करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।